और फिल्म से जुड़े जाने माने अभिनेता टॉम अल्टर का उनके करीबी रिश्तेदारों और फिल्मी जगत के दोस्तों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। टॉम अल्टर के निधन की खबर आते ही फिल्मी और राजनीतिक जगत के लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। स्किन कैंसर से जूझने वाले 67 वर्षीय टॉम अल्टर का मुंबई के वोडली में अंतिम संस्कार किया गया। यहां उनके करीबी राज मुराद समेत फिल्मी जगत के और भी लोग मौजूद रहे। हम थोड़ा सरप्राइज थे कि लाइक हिंदू शमशान भूमि में लाइक ही इज बीइंग टेकन। आजकल हम लोग में माने इंसानों में क्योंकि ये जो भेदभाव होता है वो सब निकल गया। ये सब पुराने ज़माने की चीज़ें थी, हम लोग इसमें नहीं मानते, बहुत से लोग नहीं मानते। और ये जो ये बहुत अच्छी जगह खुली है, यहाँ पे सब फेथ के लोग आके और अपना अपना Somebody said कि like it was his will. But yes, Tom never believed in anything. There are many of us who subscribe to that theory. I think all this ringing of bells and crying out from stars is really not what certain people, educated, liberated people, and that's the way the world should be. Any movie that you have worked with him in, like he has worked under your direction. Together was in Samvidhan, where he played Maulana Azad. That was the last we worked together. After that, that was in 2012. After that, we hadn't worked together.